हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जो आज मैं आपके जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है मेरा ब्रिंजक चूर्ण। जहाँ से मैंने कल आपको स्टार्ट किया था तो मैंने यहीं पे छोड़ा था, ब्रिंजक चूर्ण पे। ठीक है, तो आज हम वहीं से लेके चलते हैं और मेरा वही सब्जेक्ट चल रहा है साइंस और क्लास 10 से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 क्षार अम्ल और लवण वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ है मेरा ब्रिंजक चूर्ण, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं ब्रिंजक चूर्ण के। तो जो रासायनिक नाम है ब्रिंजक चूर्ण का वो है मेरा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और हम इसे तीन नाम से हम जान सकते हैं। तीन नाम देखिए, जो मेरे रासायनिक नाम है वो हमने यहाँ आप लोगों को तीन दे रखे हैं। पहला ये दे रखा है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, उसके बाद है मेरा क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेटेड लाइम। क्लियर, और इसका जो सामान्य नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग जनरली यूज करते रहते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और जो अणुसूत्र है वो है Ca(OHCl)CL। ठीक है, और एक और है CaOCl2। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि निर्माण की विधि, यानी हम कौन सी थ्योरी से इसे हम बना सकते हैं, ब्रिंजक चूर्ण को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं कि जो ब्रिंजक चूर्ण है हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर का मतलब है इंडस्ट्रियल मेथड। मतलब जब भी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल मतलब जो फैक्ट्रियों में, औद्योगिक का मतलब क्या है, जो फैक्ट्रियों में बहुत ही बड़ी मात्रा में जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन और क्लेवर अथवा बैचमैन विधि द्वारा, तो ये जो विधि होती है उस हम विधि को क्या बोलते हैं, एक विधि बैचमैन, ठीक, और एक होती है हेसन क्लेवर। तो जो ये विधि होती है, इस विधि में देखिए हम कैसे बनाते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं। देखिए, विधियों द्वारा ये दो विधि सबसे ज्यादा यूज होती है, इन दोनों विधियों द्वारा शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है, जब शुष्क बुझे हुए चूल्हे को लेंगे और उस पर क्या क्लोरीन गैस डालेंगे, तो तब हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रिंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहां हमने ये ले रखा है शुष्क बुझा हुआ चूना, ये क्या है CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl, ये मेरी हो गई क्लोरीन गैस। ये क्या हो गई, क्लोरीन गैस। ये हो गई क्लोरीन गैस। क्लियर, और ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना, ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका, बुझे हुए चूने का। जो बुझा हुआ चूना नाम है वो कैसा है, औद्योगिक नेम है। ठीक है, तो देखिए यहां जो हम रिएक्शन कराएंगे तो मेरा बनेगा CaOCl2+H2O। देखिए यहां से CA और AO, ठीक है, और ये Cl2, यहाँ O कितने बचे, दो, तो AO यहाँ है और AO यहाँ है और H कितने थे, दो, तो H2O, यानी कि ये मेरा जल निकल गया यहाँ पे और ये क्या बन गया, ये मेरा बन के तैयार हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ओके, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब इन विधियों को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेसन क्लेवर या बैचमैन विधि। ठीक है, अब हम इसके यूज की बात करते हैं, यानी ये जब बन के तैयार हो गया तो इसका यूज क्या होगा भाई, हम लोगों के क्या काम में आएगा। तो देखिए क्या यूज होगा, एक क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जब भी हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद जो चीनी होती है, चीनी को हम जब सफेद करते हैं, देखिए चीनी को सफेद करने पर या करने में, जब भी हम चीनी को सफेद करेंगे तो वो किसका यूज करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद यौगिकों के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण जब भी हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण होगा तो वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेयजल के शोधन में, पेयजल का मतलब है जो पानी पीने योग्य हम लोग बनाते हैं उसे हम शुद्ध करने में, क्योंकि पानी में क्या होते हैं, जीवाणु। तो फिर हमने देखो यहां है जीवाणु नाशक के रूप में, तो हम डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या होता है, जो भी जीवाणु होते हैं वो मेरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया ना जीवाणु नाशक के रूप में। और सूती व लिनेन वस्त्रों में, या क्या, जो मेरे कपड़े होते हैं सूती वस्त्रों भी जब हम बनाते हैं तो ब्रिंजक चूर्ण का हम यूज करते हैं। ओके,
देखिए अब मेरा खाने का सोडा या ब्रेकिंग सोडा, अब हम बात करते हैं कि जो खाने का सोडा या जो ब्रेकिंग सोडा जो सोडा वो उसका कैसे। देखिए अब है जो मेरा टॉपिक वो है खाने का सोडा या ब्रेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक और हो जाएगा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अणु सूत्र, तो वो होता है NaHCO3, ठीक है। और ये हमने दे रखा है अणु भार, वो होगा 84। अणु भार निकालना कैसे, जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है 11, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, और यहाँ O का कितना होता है 16, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं तो यहाँ मेरा 84 निकलेगा, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ है निर्माण की विधि, यानी कि अब हम कौन सी विधि से इसका निर्माण करेंगे, ठीक है, खाने के सोडा का। तो प्रयोगशाला में, यहाँ बात हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे औद्योगिक नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया प्रयोगशाला में, मतलब जहां भी लेबोरेटरी, जहां भी लैब में हम बनाते हैं। तो कैसे, देखिए प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में क्या करेंगे, हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उसे ठंडे पानी में डालेंगे और उसी में क्या डालेंगे, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 प्राप्त होता है। NaCO3 का मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम कह सकते हैं खाने का सोडा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे मिलता है। तो देखिए यहाँ है Na2CO3, ये मेरा क्या है, ये है मेरा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ देखिए मैंने ये ले लिया है सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके बाद जल, देखिए कैसा है ये ठंडा जल है, ठीक, फिर है CO2। अब हम बनाएंगे तो यहां मेरा क्या बनेगा, NaHCO3, ठीक है। अब वो भी यहां इसके कहने, इसके कैसे मॉलिक्यूल निकलेंगे, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, या हम आगे दो का गुणा कर सकते हैं, और अगर दो का गुणा ना करें तो हम प्लस लगा के NaHCO3 और लिख सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि इससे हमारी क्या लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, या हम सीधा इसके आगे दो लिख सकते हैं, दो मॉलिक्यूल हमारे बनेंगे किसके, खाने के सोडा का, ठीक है, सारे होते हैं। तो देखिए यहां मेरा ये बनके तैयार हो गया, ठीक है, क्या बनके तैयार हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। अब हम बात करते हैं यानी कि यूज, इसके यूज कहां होते हैं यानी कि उपयोग। तो पहला आप लोगों ने सुना होगा पेट में गैस बन रही, चलो सोडा पीते हैं चल के, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी पेट में गैस बनेगी तो अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि बनाने में, और इसकी एक टेबलेट भी होती है, वो भी अगर बनेगी ना, जैसे एसिडिटी हो रही है, कोई कहता है ये लो ये लो, उसमें पता किसकी मात्रा होती है, उसमें इसी की मात्रा होती है। तो जो भी पेट में जो एसिडिटी वगैरह बनती है वो सही हो जाती है। उसके बाद है चर्म रोग के निदान में, मतलब जो मेरा चर्म रोग हो यानी कि जो भी त्वचा का रोग होता है उससे, उसमें लगाने वाली जो भी औषधियां बनती है उनमें भी इसका यूज होता है। उसके बाद है मेरा आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो भी मेरे यंत्र होंगे आग, आग को बुझाने का काम करेंगे, ठीक है, उनमें भी इसका यूज होता है। उसके बाद है कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कच्चा दूध है उसे जब भी हम फाड़ते हैं तो उसके टाइम को थोड़ा ज्यादा, जैसे कि कोई दूध है जो मेरा 10 मिनट में फट रहा है और अगर हम ये डाल दें तो वो 15-20 मिनट में फटेगा, उसका टाइम कैसा होगा, बढ़ जाएगा, वो इतना जल्दी नहीं फटेगा, ठीक है। यानी कि तू अभी लिख रहा है फिर बाद में समझ में नहीं आ, फिर ऐसे मुंह उठा के बैठना, ठीक है, वीडियो बना लो, ठीक है, हो गया। मेरा धावन सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, और इसका जो सामान्य नाम है वो होगा सोडा एस, या हम बोल सकते हैं क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलीय का मतलब वो होता है कि इसमें क्या क्रिस्टल होंगे, जैसे कि आपने कभी भी सरियों करते हुए देखा है तो जो होता है बुरादा टाइप में लोहे का बन जाता है, तो वो हमारे क्रिस्टल हम बोल सकते हैं कि वो फॉर्म कैसा है, क्रिस्टलीय फॉर्म होता है, तो वैसे ही ये बोला गया। अब यहाँ अणु सूत्र Na2CO3 * 10H2O, और जो इसका अणु भार होगा वो होगा 286, ओके। फिर हम कह सकते हैं कि निर्माण की विधि, मतलब बनाने की विधि, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, धावन सोडा और क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करके, मतलब है कहने का मतलब है धावन सोडा, फिर कॉमा लगा है, ठीक है, तो यानी धावन सोडा को बेकिंग सोडा, जब भी हम धावन सोडा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीय द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो जब भी हम प्राप्त करेंगे तो वो क्या धावन सोडा आएगा मेरा, ठीक है। तो यहां मैंने लिया Na2CO3, ये मेरा क्या है,
ये मेरा बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा को मैंने गर्म कर लिया था प्लस फिर मैंने दोबारा क्या किया उसकी जलीय क्रिस्टलीय कलर मतलब जल से दोबारा से क्रिया कराई तो Na2CO3 into 10H2O ये बनके तैयार हो गया। ठीक है जो मेरा है धावन सोडा। हम बात करते हैं यूज, तो इसका यूज होगा वो होगा कपड़े धोने में और जल की कठोरता दूर करने में। क्या होता है जो मेरे जल होता है और जल की जो कठोरता को अगर हम दूर करेंगे तो हम क्या मिलाएंगे उसमें Na2CO3 into 10H2O। उसके बाद है कांच कागज या कास्टिक सोडा या हम कह सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में ये हम बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, कांच बनता है, कागज बनता है और कास्टिक सोडा बनता है और आपको पता है डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम कपड़े धुलते हैं ना तो वो बनता है। तो उसमें क्या धावन सोडा मिलाया जाता है आंख की दवाई में। ठीक और जीवाणुनाशक मेरा रोगाणु और रोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी रोगाणु होते हैं ना उनको रोकने के लिए इसी का यूज होता है, रोगाणु और जीवाणुओं को मारने के लिए। ओके।